हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड में ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि हम ग्लैंड्स बोल किसको रहे हैं। ग्लैंड्स ऑर्गन्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनको ऑर्गन्स ना बोलकर हम ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस हार्मोन्स भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, या गैस्ट्रिक जूस वगैरह भी हो सकते हैं, इसलिए हम इनको ग्लैंड्स बोलते हैं। ग्लैंड्स तीन टाइप की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड्स। इन तीनों के डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, बाकी अदर केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ नहीं करती है। और ये जो सब्सटेंस को रिलीज़ करती है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज केमिकल सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड्स और टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सेकेंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स केमिकल सब्सटेंस के रूप में जूसेस और एंजाइम्स को रिलीज़ करती हैं, और ये इनको डक्ट या नलियों की सहायता से रिलीज़ करती है, ब्लड में रिलीज़ नहीं करती हैं। थर्ड है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करे, जूसेस भी प्रोड्यूस करे और एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करे। मिक्स्ड ग्लैंड सिर्फ एक ही होती है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में पैनक्रेटिक जूस भी बनता है, हार्मोन्स भी बनते हैं और एंजाइम्स भी बनते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने एंजाइम्स, हार्मोन्स और जूसेस किसको कहा है। एंजाइम्स वो प्रोटीन्स या लिपिड्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी में मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जूसेस भी केमिकल्स ही होते हैं और एक ये कैटलाइस्टिक की तरह बिहेव करते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में उसकी रेट बढ़ा देते हैं। हमने पढ़ा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ करती हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हेल्प करती है हमें बॉडी फंक्शंस में, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक रिएक्शन या फर्टिलिटी। हमारी बॉडी में नो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनलिन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, थाइमस ग्लैंड्स और गोनेड ग्लैंड्स। गोनेड ग्लैंड्स में ओवरीज और टेस्टिस दोनों इंक्लूड हो जाती हैं। ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पूरी स्ट्रक्चर दे रखी है। पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ब्रेन में होती हैं। थायराइड ग्लैंड्स हमारे थ्रॉट में, मतलब गले में होती हैं। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो ट्रैकिया वाले पार्ट में होती है। पैनक्रियाज जो होती है वो किडनी के साइड में होती हैं, और एड्रिनलिन ग्लैंड्स भी किडनी के आसपास होती हैं। और मेल्स में टेस्टिस ग्लैंड्स पाई जाती हैं और फीमेल्स में ओवरीज ग्लैंड्स पाई जाती हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है, ये ब्रेन का एक पार्ट ही होती है, लेकिन ये हार्मोन रिलीज़ करती है इसलिए इसको ग्लैंड कहा जाता है। इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। यह दो तरह के हार्मोन रिलीज़ करती हैं, फर्स्ट रिलीजिंग हार्मोन, सेकेंड ग्रोथ हार्मोन। हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम होता है थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखना, इसलिए इसको थर्मामीटर ग्लैंड भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ब्रेन से जो सिग्नल्स होते हैं उनको पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाता है। एज अ ब्रेन इट फील्स अस हंगर, थर्स्ट, इमोशंस, फीलिंग्स, एंगर, बिहेवियर एंड मूड। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन और रिलीज़ करती हैं जिसको डोपामिन हार्मोन बोलते हैं। यह हैप्पीनेस हार्मोन होता है। इस हार्मोन के रिलीज़ होने पर हमें खुशी फील होती है। सेकंड ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि बाकी के जो ग्लैंड्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे फोरब्रेन में सिचुएटेड होती है और ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, जो हमारे बॉडी पर डिपेंड करता है कि हम लंबे होंगे या हमारी हाइट छोटी होगी।
यह सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड पीनियल ग्लैंड होती है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज 3 से 4 सेंटीमीटर होती है और इसका वेट जो है वो 0.5 ग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है जो बाकी की ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करना और गैमेट सेल्स को मैच्योर करना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का काम होता है सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाना, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है। नेक्स्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। यह भी हमारे ब्रेन में ही सिचुएटेड होती है। थैलेमस, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड तीनों हमारे ब्रेन में होती हैं। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे डेली रूटीन की, हमारा डेली रूटीन कैसा चलेगा वो डिपेंड करता है पीनियल ग्लैंड से निकले हुए हार्मोन पर। इस ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है वही डिसाइड करता है कि हमारी स्किन का कलर कैसा होगा। जब हम धूप में जाते हैं तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होता है, जिससे हमारी स्किन है वो काली पड़ जाती है। जब हम रात को सोते हैं तब ये हार्मोन जो है वो स्किन का कलर बैलेंस करता है। मेलाटोनिन हार्मोन जब नर्व सेल्स डैमेज हो जाती है तो उनकी रिकवरी में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे गले वाले पार्ट में होती है। ये ग्लैंड एच शेप में होती है और इसको लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइज में सबसे बड़ी होती है। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। दिस हार्मोन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इस हार्मोन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा, जिससे गोइटर डिजीज़ हो जाती है, जिससे गले में स्वेलिंग आ जाना या फिर गले में कुछ फंगस लग जाना, वो गोइटर डिजीज़ में आता है। ये हार्मोन हमारी बॉडी में वाटर बैलेंसिंग करने में भी काम आता है। अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा तो कई सारी डिजीज़ हो जाएगी, जैसे गोइटर डिजीज़। इसके हाइपर सेक्रेशन से हमारी बॉडी का वेट लॉस होगा, हमें थकान महसूस होगी और जो हमारी वर्किंग कैपेसिटी है वो कम होने लग जाएगी। और अगर ये हार्मोन कम मात्रा में सेक्रेट हो रहा है, कम मात्रा में रिलीज हो रहा है, तो भी हमें डिजीज़ होती है। इसकी कमी से हमारी स्किन जो है वो ड्राई होने लग जाएगी, बॉडी का वेट जो है वो अचानक बढ़ने लग जाएगा या फिर हमारे गले में स्वेलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो भी हमारे गले में होती हैं। ये जो हार्मोन रिलीज करती है उसको पैराथ्रोमोन हार्मोन या फिर पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। और इस हार्मोन का काम क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कंट्रोल करना। अगर हमारी बोन्स में ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है तो ये हार्मोन उसको ब्लड में ले जाता है। इस हार्मोन की कमी से टाइटेनिक नाम की डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट ग्लैंड है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड भी होती हैं, क्योंकि ये हार्मोन, एंजाइम और जूसेस तीनों को सेक्रेट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड में हम इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज करती है। कौन कौन से, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकोगेन हार्मोन। पैनक्रियाज हमारी एब्डोमिनल कैविटी जो है, स्टोमक वाला जो पार्ट है, उसके पास होती है और इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है। ये इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को। इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और अगर ये हार्मोन कम हो जाएगी तो डायबिटीज़ रोग हमें हो सकता है। ग्लूकोगेन हार्मोन इससे जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि ये हार्मोन कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, जबकि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था। हमारी बॉडी में जो शुगर होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, उस ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। ये किडनी के ऊपर की तरफ लोकेटेड रहती है। इससे एड्रेनालिन हार्मोन सेक्रेट होता है और ये हार्मोन हमें कोई भी इमरजेंसी से फाइट करने में हेल्प करता है।
दिस हार्मोन प्रिपेयर अस टू फाइट इमरजेंसी इन दिस सिचुएशन दिस हार्मोन इज सेक्रेटेड रैपिडली एंड कंट्रोल वेरियस फंक्शन सच एज हार्ट बीट हार्ट कंट्रैक्शन रेस्पिरेशन रेट एक्सटेंशन ऑफ पीपल ऑफ आई। अगर हमारे साथ कुछ अचानक कोई घटना हो जाती है तो ये हार्मोन हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करके रखता है, हमारी जो सांस लेने की रेट है रेस्पिरेशन रेट है उसको कंट्रोल रखता है, हमारी जो आँखों की प्यूपिल है उसको कंट्रोल रखता है। साथ ही ये हार्मोन हमारे हार्ट के रिलैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन को भी रेगुलेट करता है, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन या फिर डू और डाई हार्मोन डू और फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो थाइमोसिन हार्मोन को सेक्रेट करती है और ये ऐसी ग्लैंड होती है जो उम्र के साथ इसका जो साइज है वो कम होता जाता है। थाइमस ग्लैंड हार्ट के ऊपर वाले पार्ट पर सिचुएटेड होती हैं। इसका सिर्फ एक ही मेन काम होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करना। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होने लग जाता है। उसका मेन कारण यही होता है कि एज बढ़ने के कारण थाइमस ग्लैंड जो है उसका साइज कम होता जाता है, इससे जो हार्मोन है वो कम सेक्रेट होता है। इसलिए एज बढ़ने पर ये थाइमस ग्लैंड हमें इम्यून सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाती है और हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड है गोनेट ग्लैंड्स। गोनेट ग्लैंड्स जो है हमारे इंटेस्टाइन के नीचे होता है और ये दो तरह का होता है, टेस्टिस और ओवरीज। मेल्स में टेस्टिस ग्लैंड होती है और फीमेल्स में ओवरी ग्लैंड होती है। फर्स्ट है टेस्टिस। दिस ग्लैंड इज फाउंड ओनली इन मेल्स, ये सिर्फ मेल्स में होती है। दीज आर फाउंड इन वन पेयर, ये एक पेयर में होती है। ये एक ऑर्गन की तरह भी काम करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। इसके मेन फंक्शंस होते हैं बैलेंस मेल करेक्टर्स, मैच्योर स्पर्म्स, ग्रोथ ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नेक्स्ट गोनेट ग्लैंड है ओवरी। दिस ग्लैंड फाउंड ओनली इन फीमेल्स, ये सिर्फ फीमेल्स में होती हैं। विच सेक्रेट टू हार्मोन, इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये भी वन पेयर में होती हैं। दिस हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एम्ब्रो इम्प्लांटेशंस एंड फीडिंग। और इसके फंक्शंस क्या होंगे, बैलेंस फीमेल कैरेक्टर्स, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मैच्योर ईवा। इस वीडियो से हम सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में समझेंगे। हमारी बॉडी में 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेन में होती हैं। यहाँ ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और हाइपोथैलेमस जो है वो फोर ब्रेन में होता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो साइज में छोटी होती है, इसलिए इसको सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो भी हमारे ब्रेन में होती है, ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है लेकिन ये जो हार्मोन रिलीज करती है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। पीनियल ग्लैंड आर द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे गले में जो ट्रैकिया वाला पार्ट है वहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है जो एच शेप की होती हैं। एक ग्लैंड और होती है यहाँ पे जिसको पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। जैसे वीडियो में दिख रहा है पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो एच शेप की होती है, इसलिए इसको एच शेप ग्लैंड या बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो हमारे हार्ट के पास होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। और किडनी के पास जो ग्लैंड होती है उसको पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ये हार्मोन भी सेक्रेट करती है, एंजाइम्स भी सेक्रेट करती है। और किडनीज़ के पास एक एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड कौन सी होती है,
जो एड्रेनलाइन हार्मोन को सेक्रेट करे। हमारे गोनेड सेल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, मेल्स में और फीमेल्स में। मेल्स में टेस्टिस होती हैं और फीमेल्स में ओवरीज होती हैं। टेस्टिस और ओवरीज दोनों वन वन पेयर में होती हैं। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करती हैं। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, जो ब्लड में डायरेक्ट हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, और ये काम कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है वो करता है। पढ़ा कि बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। वो बहुत सारे हार्मोन्स कौन कौन से होंगे? सोमेटोप्सिन, प्रोलैक्टिन, थाइमोसिन, ग्लूकागन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलाइन, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लड में घोल देती हैं और जो भी एफेक्टर ऑर्गन्स हैं वहाँ तक उसको पहुँचा देती हैं। These glands, हेटरोक्राइन ग्लैंड्स दो टाइप की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन सेक्रेट सब्सटेंस थ्रू अ डक्ट और एंडोक्राइन सेक्रेट सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू ब्लड। इस पूरे चैप्टर में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।